बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चंद्रमा की गतियां और चंद्रयान 3 के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ मून, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद ये घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा फुल मून कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या न्यू मून कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक मतलब बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न खगोलीय पिंड, चंद्रमा, सूर्य आदि हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहे हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके अन्य सहयात्री एडविन एल्ड्रिन एवं माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करके आगे शेयर करें।